नमस्कार, मराठवाड्याच्या थेट भेट कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. आज आपल्यासोबत पुन्हा एकदा आहेत दैनिक उर्दू एशियन एक्सप्रेसचे संपादक आणि MIM चे औरंगाबाद शहराध्यक्ष. शहराची नक्षबंदी आहे. औरंगाबाद शहरात आणि जिल्ह्याच्या संदर्भामध्ये काय नवीन घडामोडी घडलेल्या आहेत, भविष्यामध्ये काय घडामोडी घडणार आहे, राजकीय वातावरण कशा पद्धतीने ढवळून निघणार आहे आणि सध्याचं राजकीय वातावरण काय आहे, कशा पद्धतीने आता शहराचं डेव्हलप होणार आहे किंवा कशा पद्धतीने शहर भकास होत आहे याविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी आपण त्याच्यासोबत थेट संवाद साधणार आहोत. नक्षबंदी सर, मराठवाड्याच्या थेट भेट मध्ये आपलं स्वागत. मला तुम्हाला पहिला प्रश्न आहे, गेल्या 2 वर्षापासून औरंगाबाद हे कोरोनाच्या संकटामध्ये झुंज देत आहे आणि एकंदरीत कोरोनाचा काळ हा आता संपण्याच्या मार्गावर आहे, तर या एकंदरीत या काळामध्ये कशा पद्धतीने औरंगाबादचा डेव्हलप व्हायला पाहिजे होता आणि आता सद्यस्थिती काय आहे? औरंगाबाद का जो विकास होना था, पिछली जो बॉडी थी महानगर पालिका की, उसमें कुछ काम हुए हैं और ये बॉडी खत्म हुए तकरीबन 1.5 साल का अर्सा बीत चुका है. अप्रैल को जो है तो औरंगाबाद महानगर पालिका की जो बॉडी थी वो खत्म हो गई थी, उसका टेंडर खत्म हो गया था. उसके बाद से एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार भांडे बहसियत कमिश्नर नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से काम कर रहे हैं. हम ये समझते हैं कि पिछली महानगर पालिका के जो कोई भी मेंबर्स थे, कॉर्पोरेटर्स थे, इन्होंने अपनी अपनी सतह पर विकास के काम किए, लेकिन कोरोना आने के बाद विकास की जो एक गति थी, जो रफ्तार थी, उसके ऊपर कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है. और ठीक है, वो कोरोना की वजह से जो है तो यहाँ पर इलेक्शंस नहीं हो पाए. इलेक्शंस नहीं होने की वजह से बहुत सारे राज्य सरकार के और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को जितना यूटिलाइजेशन होना था या जो स्कीम्स औरंगाबाद के लिए लाना चाहिए था, तो इम्तियाज जलील साहब ने अपनी कोशिशों से कुछ स्कीम्स को फाइनल किया, लेकिन और भी बहुत सारे स्कीम्स यहाँ पर लानी चाहिए थी, लेकिन लोकल में बॉडी नहीं होने की वजह से विकास के काम जस के तस पड़े, इसको और ज्यादा तेजी से काम करने की जरूरत है. कोरोनाच्या काळामध्ये प्रशासनाने चांगलं काम केलेलं आहे असं म्हटलं जातं आणि त्या अनुषंगाने जो रेशो कोरोनाचा वाढला होता, हॉटस्पॉट जे इंडियामध्ये टॉप 10 मध्ये औरंगाबादचं नाव लागलं होतं आणि कमी होण्यामध्ये सुद्धा औरंगाबादचा पुन्हा एकदा टॉप 10 मध्ये नंबर लागलेला आहे, परंतु हे जे श्रेय आहे हे प्रशासनाचं आहे की कोणाचं आहे? नहीं, पहली बात तो आप ये नहीं कह सकते कि इसका पूरा श्रेय आप एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को दे सकते. उसकी वजह यह है कि औरंगाबाद में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी हमारा बहुत कमजोर है. कई सारे लोगों की ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मृत्यु हुई है. कई सारे लोग जो है तो सरकारी अस्पतालों का रोक नहीं करते थे, उनको एक विश्वास नहीं था सरकारी यंत्रणा के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर, फिर वो प्राइवेट अस्पतालों का रोक करते थे. ऐसे बहुत सारे केसेस यहाँ के, चूंकि अगर मैं औरंगाबाद की बात करूँ तो औरंगाबाद में सिविल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर शुरुआत के दिनों में बहुत ज्यादा मतलब अच्छी सुविधाएं लोगों को नहीं दी गई थी, लेकिन इम्तियाज जलील साहब ने जो खासदार है यहाँ के, उन्होंने जब प्रशासन की तवज्जो जानी ले शिफ्ट की, उसके बाद इनको एहसास हुआ कि बहुत सारे काम करने की जरूरत है और काम किए. बिसे अगर औरंगाबाद की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 2200 पद डॉक्टर्स के खाली है, तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया. प्रशासन ने अपने लेवल पे कोशिशें की, लेकिन वो इससे ज्यादा बेहतर काम कर सकते थे ताकि वो औरंगाबाद की जनता को कोविड से मुक्ति दिलाने के लिए वक्त से पहले एक्शन ले सकते थे, लेकिन चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, 1000 पद खाली पड़े थे, मैन पावर की कमी थी, तो उतना काबिल तारीफ काम नहीं हुआ है प्रशासन से जितना उनसे अपेक्षा की जा रही थी. औरंगाबाद हे देशातल्या मोस्ट इम्पॉर्टंट शहरामध्ये एक आहे, जागतिक पातळीवर या शहराचं नाव आहे, परंतु आता स्मार्ट सिटी म्हणून या ठिकाणी या शहराला क्रमांक सुद्धा मिळालेला आहे, परंतु या स्मार्ट सिटीमध्ये क्रमांक मिळालेला आहे त्याच्या पद्धती स्मार्ट औरंगाबाद शहर आहे असं आपल्याला वाटतं का? सर, स्मार्ट सिटी का क्रमांक मिल जाना, नंबर मिल जाना, ये स्मार्ट सिटी की सक्सेस नहीं है. अगर आपको स्मार्ट सिटी वाकई बनाना है तो सबसे पहले जो मूलभूत सुविधा होती है आपके शहरवासियों की, आपके शहर में रहने वाले लोगों के लिए, तो उन मूलभूत सुविधाएं, जो बेसिक फैसिलिटीज होती है, जो एक महानगर पालिका की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरवासियों को प्रोवाइड करे, इसमें हम बहुत ज्यादा नाकाम है, फेल है. इसलिए कि औरंगाबाद के तकरीबन आज भी 40% इलाके ऐसे हैं जहां पर 8 दिन में एक मरतबा पानी आता है.
अभी हम पिछले दिनों एक आंदोलन करने की तैयारी कर रहे थे लेकिन कोविड की वजह से नहीं कर पाए कि स्मार्ट सिटी के नाम पे आपने सर्टिफिकेट ले लिए, आप नंबर्स में आ गए, लेकिन स्मार्ट सिटी में जो मूलभूत सुविधाएं आपके अपने शहर वासियों को देना चाहिए वो शहर वासियों को वो मूलभूत सुविधाएं आपने नहीं दिए, इसीलिए आप अपने आप की तारीफ ये करके नहीं कर सकते कि भाई हम जो है तो स्मार्ट सिटी में आ गए हैं और स्मार्ट सिटी के मतलब एक नंबर हमको मिल रहा है। अगर आपको वाकई स्मार्ट सिटी बनना है तो आपको सबसे पहले शहर का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है पानी सड़क जो है तो इसको बेहतर करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाकर आप दूसरी चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं, फिर हम स्मार्ट सिटी में अपने आप को गिन सकते हैं। हजारों गड़े सारे शहर में ऐसे कई रास्ते ऐसे पड़े हैं कि जो जहाँ पर डेवलपमेंट के काम नहीं हुए, विकास के काम नहीं हुए, विकास पर तो कागज पत्र मनाई जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप 1600 आप ये देखिए कि शहर में पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन आज भी शहर में जो वाटर फिल्ट्रेशन का जो सिस्टम होता है वो एक ही है, उसकी वजह से ये हुआ है कि पॉपुलेशन बढ़ तो बहुत गई है लेकिन पॉल्यूशन फिल्ट्रेशन सिस्टम कम होने की वजह से वहां से पानी कम तादाद में फिल्टर होता और लोगों को कम से कम तादाद में जा रहा। अब जब आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं तो आपने वाटर फिल्टर सिस्टम औरंगाबाद में कितने बढ़ाने की कोशिश की है, और कोशिश सिर्फ पेपर पे हुई है, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक हुई है, या आपने कोई प्रैक्टिकल काम किया है, या आपने जनता को बताना चाहिए। एकंदरीत असं म्हणता येईल का की जे जो विकास दाखवलेला आहे तर स्मार्ट सिटी म्हणजे समस्येच्या मध्ये स्मार्ट सिटी आहे असं म्हणता येईल? जो स्मार्ट सिटी मध्ये औरंगाबादचा जो नंबर लागलेला आहे, जो क्रमांक मिळालेला आहे, एकीकडे विकास दिसून येत नाहीये तर एकीकडे दुर्दशा दिसून येत आहे, तर स्मार्ट सिटी जो क्रमांक लागलेला आहे तर समस्या मध्ये स्मार्ट सिटी मध्ये नंबर लागलेला आहे? सवाल ही पैदा नहीं होता। स्मार्ट सिटी की अगर एक लिस्ट बनाए, आपकी समस्या भरी शहरों का अगर एक बनाएंगे कि भाई ये स्मार्ट सिटी की जो समस्याएं हैं उस पर अगर हम बात करें तो औरंगाबाद उसमें ऊपर के एक दो नंबर पे आएगा कि यहाँ पर समस्याओं का अंबार है और यहाँ पर विकास के काम बहुत कम है। तो एकंदरीत या आता जे शहर बघासकडे जाता आहे, इकडे कागदपत्री विकास दाखवला जातो आहे, तर या सर्व गोष्टीला जबाबदार कोण आहे? सर इसके लिए राज्य सरकार भी जबाबदार है, इसके लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जवाबदार है कि आपके पास राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है तो आपको फंड देने के लिए अगर तैयार है तो आपने इतनी कितनी सलाहियत थी, काबिलियत थी कि आपने वो फंड लाए और लाकर उनका एग्जीक्यूशन हुआ है, ये मैटर करता है। अगर राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार कुछ फंड दे भी रही है तो उसका कितना एग्जीक्यूशन हम यहाँ पर करवा रहे हैं अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेटर पर उसकी जवाबदारी बनती है। एकंदरीत असं बघितलं जातं की रस्ते बाकात झालेले आहे, पाण्याचा प्रश्न आहे, स्वच्छतेचा प्रश्न आहे, कचऱ्याचा प्रश्न आहे, आणि आता पावसाळा असताना सुद्धा धुळीचा प्रश्न गंभीर आहे शहरामध्ये, तर नेमकं स्मार्ट काय म्हणताय? अब ये तो ॲडमिनिस्ट्रेटर साहब ने या फिर मोदी सरकार ने जो स्मार्ट सिटी बनाने का ख्वाब भारतीय शहरियों को दिया है, ये उनसे पूछना चाहिए कि आप कैसा स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, क्या उस स्मार्ट सिटी में आप अपने शहरियों को, आप अपने रहने वालों को, लोगों को क्या आप वक्त पे पानी पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे, या वहां की सड़कें आप सुधारेंगे, या वहां का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आप सुधार पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो स्मार्ट सिटी की परिभाषा क्या है सबसे पहले तो ये इनको समझने की जरूरत है, और वो पेपर पे समझने की जरूरत नहीं है, पेपर पर बुकलेट में बहुत अच्छी अच्छी बातें स्मार्ट सिटी के नाम पे हम भी लिख सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी लिख रखा है, लेकिन उसके ऊपर कितनी अमल बजावनी हो रही है इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। एकंदरीत असं म्हटलं जातं की कोविडचा प्रश्न नष्ट होत आहे, परंतु दुसरीकडे ज्या कोरोनाच्या टेस्ट व्हायला पाहिजे त्या एकंदरीत बंद झाल्यामुळे पेशंट संपले असं समाजामध्ये चर्चा आहे। देखिए कोविड तो क्या है कि ये कुदरती पैंडेमिक जो है कुदरती आफत रही है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हमको ये समझना चाहिए क्योंकि हमको आजाद हुए 70 साल गुजर चुके हैं, इन 70 सालों में हमने अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना एक्टिव किया, हमने कितने अस्पताल बनाए, हमने कितने जो है तो हजारों की तादाद में आज हमारे जो स्टूडेंट्स डॉक्टर्स की डिग्रीज लेके निकल रहे हैं, तो उनको क्या हमने जॉब दिया है, नहीं दिया है। तो कोविड की आड़ में हम अगर विकास के कामों को पीछे ढकलेंगे तो ये ठीक नहीं है, ये एक पैंडेमिक है, ये कुदरती आफत है, इससे निपटना डिजास्टर मैनेजमेंट का काम है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट ने बताना चाहिए था कि हम इतने काबिल लोग हैं, उसके अधिकारियों ने बताना चाहिए था। और आपका जैसा सवाल है कि भाई
टेस्टिंग कम हुई इसके लिए जो है तो पेशेंट नहीं आ रहे हैं। इस बात में भी कहीं ना कहीं हकीकत है कि जब आपकी टेस्टिंग बहुत ज्यादा चल रही थी तब पेशेंट बहुत ज्यादा आ रहे थे। मैं तो चैलेंज करता हूँ, आप आज भी टेस्टिंग कीजिए, आज भी कोरोना के पेशेंट निकलेंगे। लेकिन कोरोना के पेशेंट निकलने के बाद एक जो डर और खौफ का माहौल आपने बनाए थे शहरियों के दरमियान, और बिना सोचे समझे अपनी केबिन के अंदर बैठ रहे हैं और आम आदमी के ताल्लुक से आप फैसले कर रहे हैं, कभी भी सुबह का लॉकडाउन लगा दे रहे, कभी शाम का लॉकडाउन लगा दे रहे, तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। आपको एक आम आदमी की क्या परेशानी है उस पे आपको उससे समझ के लेना चाहिए। देखिए, मैं और आप बैठ के आज अगर यहाँ बैठेंगे और हम अगर बाहर जनता का फैसला करेंगे अपने अपने जहन से अपनी सोच से, तो ये उनके लिए काबिल कबूल होगा या नहीं होगा ये वो बेहतर जानते। इसीलिए अगर कोई भी डिसीजन लेना हो तो आप सबको सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि जिन लोगों से मुतालिक आप जो डिसीजन ले रहे हैं उनसे आपकी चर्चा होनी चाहिए। आप मनमाने फैसले किए जा रहे हैं, इसमें सीधा नुकसान जो है तो सीधा अफेक्टेड जो लोग हुए हैं वो एक आम जनता आम नागरिक हुआ है। या विरोधामध्ये MIM चे खासदार इम्तियाज जलील साहेबांनी सुद्धा आवाज उठवला होता, MIM ने त्यासाठी सपोर्ट केला होता आणि सर्वसामान्य कामगारांनाही सपोर्ट चांगला मिळाला होता। एकंदरीत असं चर्चा त्यावेळी झाली की हे कुठेतरी राजकारण केलं जात आहे, तर त्यांच्यावर आरोप झाले, याचे काय सांगाल? देखिए, राजनीतिक पार्टी या खासदार इम्तियाज जलील साहब जो है तो सरकार के नुमाइंदे नहीं है, प्रतिनिधि नहीं है, ये एक आम जनता के प्रतिनिधि है। और इन्होंने वही बात कही जो एक आम नागरिक कह रहा था। अगर हम लॉकडाउन के खिलाफ नहीं थे, हमारा ये कहना था कि आप एक महीना नहीं बल्कि आप 6 महीने का लॉकडाउन लगाइए, लेकिन 6 महीने लॉकडाउन लगाने से पहले आप ये बताइए कि आपने अपनी जनता को 2 वक्त के खाने का क्या इंतजाम किया, आपने अपनी जनता के ताल्लुक से जो उनके स्वास्थ्य के मसले है, जो उनके मेडिकल इश्यूज है उसको सॉल्व करने के लिए आपका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना शक्तिशाली है, कितना कारगर है, नहीं है। हमने ये चीजें सरकार से डिमांड की थी। खासदार इम्तियाज जलील साहब तो अभी जो उन्होंने डे वन से जो लॉकडाउन का विरोध किया है उसके पीछे मंशा ये नहीं है कि लॉकडाउन का विरोध करके लोगों की जो है तो सिंपति हासिल की जाए, बल्कि MP इम्तियाज जलील साहब ने हमेशा ये कहा कि आप अगर लॉकडाउन लगाते हैं तो बिल्कुल लगाए, लेकिन उससे पहले आप शहर की जनता, आप आम नागरिकों की, गरीब लोगों के खाने का, 2 वक्त के रोजी रोटी का उनका इंतजाम करें, उसके बाद आप लॉकडाउन शौक से लगाए। एकीकडे सरकारने म्हटलं होतं की शिवभोजन मोफत दिल्या जात आहे, परंतु असं काही लक्षात आलं की शिवभोजन फक्त नावालाच आलं आहे आणि काहीतरी कागदपत्रीच दिसून आलेलं आहे, त्याचा खरं लाभ सर्वसामान्यांना झालाय? बिलकुल नाही मिळाय अभी भी उसका काही मतलब। उद्धव ठाकरे साहेब ने टीव्ही पर आकर कहा की हम शिवभोजन देंगे, बड़ी अच्छी बात है, उद्धव ठाकरे साहब ने बहुत अच्छे अच्छे ऐलानात भी किए, लेकिन उनके पास वो जो डिक्लेरेशन थे उनके उसके साथ उन्होंने एक टाइम लिमिट डिसाइड करना चाहिए था कि हम 15 दिन के अंदर शिवभोजन का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, हम 1 महीने के अंदर शिवभोजन का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, तो वो सिर्फ कागज पर वो डिक्लेरेशन हुआ है। आज भी ऐसे कई संस्था है जिन्होंने शिवभोजन के लिए अप्लाई कर रखा है लेकिन उनके फाइल सैंक्शन नहीं हुए, तो फिर वो शिवभोजन का फायदा एक आम नागरिक को कब पहुंचेगा? क्या पैंडेमिक खत्म हो रहा है, एक आम आदमी अपनी रोजी रोटी की तरफ बढ़ रहा है, अब शिवभोजन का शुरुआत करके आप क्या फायदा? जिस वक्त जरूरत थी उसको इनके पास एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक बहुत बड़ा एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है। उद्धव ठाकरे साहब को कोशिश करना चाहिए था कि वो 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर जो है शिवभोजन का सिस्टम शुरू कर देते। एकंदर तशी चर्चा आहे की शिवभोजनच्या ज्या थाळी आहे त्यामध्ये फक्त दिखावा करून भ्रष्टाचार झालेला आहे, कारण पॅन्डेमिक काळ होता, लॉकडाऊन होता आणि लॉकडाऊनच्या काळामध्ये सर्वसामान्याला बाहेर येण्याची बंदी होती, पण अशा वेळेस शिवभोजन सर्वसामान्यापर्यंत पोहोचलंच नाही। जहां तक मेरी सोच है, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, शिव भोजन शुरू करने की जरूरत नहीं थी, उससे बेहतर ये था कि एक महानगर पालिका में, एक नगर पालिका में, एक तहसील लेवल पर इनके अपने स्कूल्स होते हैं, इनके अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, ठीक है, इनके अपने कार्यालय होते हैं, क्यों ना हमको वो शिव भोजन को डिक्लेयर करने के बाद लोगों से आवेदन मंगाने से बेहतर था कि फौरन ऐसे कुछ फैसले लिए जाते और कुछ शहर में, कुछ गांव की सतह पे, कुछ जिले की सतह पे ऐसे सेंटर्स बना दिए जाते जहां लोग जाकर अपना खाना वहां से ले सकते थे। तो शिव भोजन का ये ड्रामा करने से बेहतर था कि आप प्रैक्टिकल काम करते और लोगों को 4 से 5 दिन के अंदर आप फैसला देते और 4 से 5 दिन के अंदर अपने अपने स्कूल जो ऑलरेडी आपके हर तहसील में, हर मोहल्ले में, हर 2-4 मोहल्ले में, वार्ड में एक स्कूल होता है उसको सेंटर बना दिए होते तो लोगों को वक्त पर सहूलत मिल गई होती। एकंदर पॅन्डेमिक काळामुळे, लॉकडाऊनमुळे सर्वसामान्य कामगारांचा रोजगार गेलेला आहे आणि आता परिस्थिती गंभीर झालेली, तर याविषयी तुम्ही काय सांगाल शहरात? देखिए, अभी उद्धव ठाकरे साहब ने बहुत सारे डिक्लेरेशन किए थे पैंडेमिक के दौरान कि हम इसको सहायता देंगे, इसको फाइनेंशियल एड देंगे,
उसमें खास तौर से ऑटो रिक्शा चालकों को उन्होंने कहा था। लेकिन हमारे समाज में ऐसे कई वर्ग है कि जो आपके फाइनेंशियल एड के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं कि कब राज्य सरकार हमारे लिए भी कोई डिक्लेयर करेगी। जैसे एक बहुत सबसे अहम वर्ग है जो मैं समझता हूँ, वो है नॉन एडेड टीचर्स। नॉन ग्रांट टीचर्स जो होते हैं वो बहुत नॉमिनल सैलरी के ऊपर अपने अपने स्कूल्स में काम करते थे, लेकिन और वो नॉन ग्रांट स्कूल्स की पूरा एक्सपेंसेस डिपेंड होता था फीस के ऊपर। लेकिन अब क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, पेरेंट्स की कमाई नहीं है, तो पेरेंट्स ना फीस भरेंगे ना उन टीचर्स को सैलरी मिलेगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे समाज का, हमारे सोसाइटी का, वो है टीचर। और वो नॉन ग्रांट टीचर इस कदर परेशान है, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पूरे महाराष्ट्र में नॉन ग्रांट टीचर जो है तो 4,000-5,000 रुपए महीने पे काम करते थे, अब उनकी सैलरी भी कम बंद होगी। तो उद्धव ठाकरे सरकार ने सिर्फ रिक्शा ड्राइवर को टारगेट करने के साथ साथ ऐसे कई वर्ग है जो आपकी मदद की मुंतजिर थे, इंतजार में थे कि आप उनके लिए भी कोई मदद करते, लेकिन ठाकरे साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ जो रिक्शा चालकों के ताल्लुक से कुछ 1500 रुपए की बात की, बाकी बहुत सारे ऐसे वर्ग आज भी छूटे हुए हैं और उनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, कई लोगों की जॉब चली गई है। सेल्समैन हमारे पास हजारों लाखों की तादाद में, आपको हर बड़े मॉल में सेल्समैन नजर आएगा, छोटी सी छोटी दुकान पे सेल्समैन नजर आएगा, उसके ताल्लुक से आपने कुछ नहीं कहा। धर्म की बुनियाद पर राजनीति न करी है न आइंदा करेगी, बल्कि एमपी इम्तियाज जलील साहब जब आमदार थे और अब जब ये खासदार है अभी, और यहाँ के हमारे जो 26 नगर सेवक थे, इन्होंने कभी भी धर्म की बुनियाद पर अपने अपने इलाकों में काम नहीं किए, बल्कि हमारे कायद बरेस असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमेशा हमसे कहा कि आप इंसानियत के लिए काम करें, अगर आप इंसानियत के लिए काम करेंगे तो एक आम नागरिक रहेगा, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, उसका किसी से संबंध हो, वो मजलिस के कामों को सराहेगा। और हम आने वाले इलेक्शन में भी धर्म से ऊपर उठकर विकास के कामों को लेकर हमारा रिपोर्ट कार्ड हम जनता के सामने पेश करेंगे कि कहां कहां हमने कितने कितने रोड बनाए, कहां हमारे वार्ड में अस्पताल बने, कहां ओपन जिम बने, कहां प्ले ग्राउंड बने, कहां हमारे स्कूल्स बने। हम ये रिपोर्ट कार्ड जनता के दरमियान ले जाएंगे, उनके दरमियान बैठेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और उसी की बुनियाद पर वोट मांगेंगे। हम धर्म की बुनियाद पर वोट नहीं मांगेंगे। एकंदरीत असं म्हणायचं आहे की आपण धर्माच्या ऐवजी विकासाला प्राधान्य देऊन निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहात। विकास के नाम पर ही हम वोट लेंगे और हमारा जो रिपोर्ट कार्ड पिछले 7 सालों का है वो हम जनता के सामने रखेंगे और उसी आधार पर हम जनता से वोट मांगेंगे। एकंदरीत विरोधी पक्षाने जर बाकीचे मुद्दे उचलून धरले त्यावेळेस आपण काय करणार? देखिए, अगर विरोधी पक्ष धर्म की राजनीति करता है तो आज औरंगाबाद का एक आम नागरिक इतना समझदार हो चुका है कि वो धर्म की राजनीति को समझ रहा है। देखिए, एक नौजवान अगर है और वो नौजवान को रोजी रोटी नहीं मिल रही है, वो परेशान है, तो ये धर्म की राजनीति करने वाले, धर्म के जो ठेकेदार है, जो आए दिन जो है तो हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ बहका बहका कर या मुसलमानों का डर बता बता कर इन्होंने वोट लेते आए हैं, वो आज का जो नौजवान तबका है, जो यंगस्टर्स है, वो उनसे पूछेगा कि भाई तुमने हमारे से 20-25 सालों तक हमारे से वोट लिए, लेकिन हमारे लिए कौन से जॉब के अपॉर्चुनिटीज आपने खोले? तो नहीं खोले। तो ये आम नागरिक भी अब अच्छी तरीके से समझ चुका है, विरोधी पार्टियां कितनी ही धर्म की राजनीति खेलने की कोशिश करे, हम अपनी लाइन नहीं छोड़ेंगे, हम अपने रिपोर्ट कार्ड की बुनियाद पर लोगों से वोट मांगेंगे। एकंदरीत आता शहर बकास होत चालले, स्मार्ट सिटी फक्त नावाला जोडलेले आहे, तर याविषयी तुम्ही प्रशासनावर दबाव टाकून कशा पद्धतीने पुढचं नियोजन करणार? बिल्कुल करेंगे हम, जैसे जैसे फंड्स आएंगे, अगर स्मार्ट सिटी के तहत भी कोई फंड्स आते हैं तो हम उन फंड्स को एग्जीक्यूट करके लोगों को बताएंगे, जनता को बताएंगे कि भाई ये स्मार्ट सिटी के तहत फलाने फंड्स आए हैं, फलाने कैटेगरी के लिए आए हैं, फलाने काम के लिए आए हैं, उस काम में उसको खर्च करके वहां पर वो विकास का काम करके बताएंगे लोगों को। एकंदरीत नेहमी विरोधी पक्ष एमआयएनवर टीका करताना जास्त दिसत असतात, त्यांना काळा सुद्धा टीका होण्याची जास्त शक्यता आहे, तर अशा वेळेस तुमचं काय निवेदन असेल? देखिए, जो लोग अच्छा काम करते हैं उनके ऊपर टीका होती है, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है, और ये काम विरोधी पक्ष पार्टियां इसलिए कर रही है कि वो ये समझ चुकी है कि इस वक्त खासदार एमपी इम्तियाज जलील साहब ने जो कोई भी काम किए हैं उन्होंने हमेशा औरंगाबाद के नागरिकों के लिए किए हैं। उन्होंने कई मरतबा अपने इंटरव्यू में बात कही है कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का या सिर्फ उसको हमारी पार्टी को देने वाले वोटर्स का ही एमपी नहीं हूँ, बल्कि मैं पूरे शहर का, पूरे जिले का एमपी। क्रांति चौक से गोपाटी हाउस के दरमियान उस साइकिल ट्रैक पे चल रही है, ये लाखों रुपया आपने जनता का पैसा बर्बाद कर दिया,
अगर आप वही साइकिल ट्रैक बनाने से पहले कोशिश करते कि क्रांति चौक से लेके उस्मानपुरा के दरमियान के अगर कोई महानगर पालिका का स्कूल और वहां का अस्पताल होता तो ये लाखों रुपए अगर आप उस स्कूल और अस्पताल पे खर्च करे होते तो आपको वहां कहीं ना कहीं जनता के काम वो अस्पताल और स्कूल आया होता, ना कि वो साइकिल ट्रैक आ रहा था। तो स्मार्ट सिटी के नाम पे लोगों को बेवकूफ हम बनाने नहीं देंगे। जब भी हम सत्ता में आएंगे महानगर पालिका में, हम स्मार्ट सिटी के तहत पहले मूलभूत सुविधाओं को, शहर की बेसिक फैसिलिटी को, शहर के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएंगे। यही हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम शहर का कैसे मेडिकल सिस्टम को बेहतर करें, कैसे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें, कैसे ट्रैफिक सिस्टम को हम सही ढंग से उसमें लेकर आए, रूटीन में लेकर आए। और शहर में पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है, शहर में ठेले वालों का एक बहुत बड़ा मसला है के जो है तो प्रॉपर हॉकर जोन नहीं बने हुए। पेपर पर तो बहुत सारे हॉकर जोन बने हुए, लेकिन वो हॉकर जोन बनाने के बाद महानगर पालिका क्या वहां पर उन हॉकर्स को फैसिलिटी दे रही है, क्या वहां पर खरीदार को आने के लिए पार्किंग बना रही है? तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो शहरी सतह पर है, लेकिन चूंकि हम अभी तक विरोधी पक्ष के तौर पर थे, इसीलिए हमने अपनी कोशिशों से अपने अपने वार्ड में तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश की। लेकिन जब हम सत्ता में आएंगे तो हम औरंगाबाद की जनता को ये बताएंगे कि काम ऐसे किए जाते हैं जैसे हैदराबाद महानगर पालिका का जो है तो एक नमूना है, और उसी तर्ज पर हम औरंगाबाद में काम करेंगे। तो एकंदरीत आज आपल्या सोबत MIM चे शहर अध्यक्ष शारिक नक्षबंदी जी होते आणि यांनी विशेष परफळपणे आपलं मत त्यांनी मांडलेलं आहे। शहराच्या विकासाबद्दल त्यांचं काय स्वप्न आहे, कशा पद्धतीने नियोजन करणार आहे आणि आजपर्यंत झालेल्या विकास कामाबद्दलही त्यांनी आपली रोखठोक भूमिका या ठिकाणी मांडलेली आहे। MIM आणि खासदार इम्तियाज जलील यांच्या मार्फत झालेल्या कामाचा लेखाजोखा सुद्धा या आजच्या थेट भेट मध्ये त्यांनी आपल्या समोर मांडलेला आहे। आणि त्यांनी एक महत्वाचा मुद्दा आपल्या समोर एक आज हे केलेला आहे की येणाऱ्या महानगरपालिकांच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा आम्ही धर्माच्या नावावर न राजकारण करता आम्ही आमच्या कॉर्पोरेट मार्फत जे काही विकास काम आम्ही केलेले आहे ते विकास कामाचं कार्ड घेऊन आम्ही जनतेसमोर जाणार आहे आणि या विकासाच्या जोरावर, कामाच्या जोरावर येणाऱ्या महानगरपालिकेमध्ये महापौर पदापर्यंत आम्ही MIM नक्की पोहोचेल असा विश्वास, आत्मविश्वास त्यांना आहे। आणि येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा एक स्मार्ट शहर जे काही कागदपत्रावर असणार नाही ते प्रॅक्टिकली असणार आहे। दुसरा एक महत्त्वाचा त्यांनी मुद्दा या ठिकाणी मांडलेला आहे की मी आमचा विकास कसा असणार आहे हे बोलून न दाखवत आम्ही प्रॅक्टिकली करून दाखवणार आहोत। याच मुद्द्याला त्यांनी आज चांगल्या पद्धतीने आपल्या प्रश्नाला त्यांनी उत्तरे पण दिलेली आहे आणि रोखठोक आपली भूमिका सुद्धा त्यांनी या शहर अध्यक्षांना त्यांनी मांडलेली आहे। येणाऱ्या काळात आपण आणखी नवीन विषय घेऊन त्यांच्यासोबत आपण थेट भेट घेणारच आहोत। तुर्तस या थेट भेट मध्ये आपण आपला अमूल्य वेळ दिला त्याबद्दल मनपूर्वक आभार आणि असाच वेळ तुम्ही परत शहरांच्या विकासाविषयी मराठा टेकच्या थेट भेट मध्ये सहभागी होत राहू आणि तुम्हाला येणाऱ्या महानगरपालिकेमध्ये मराठा टेकच्या माध्यमातून सुद्धा आम्ही भरपूर अशा शुभेच्छा देतो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मराठा टेक का और मराठा टेक के तमाम व्यूअर्स का कि आपने मुझे सुना और मराठा टेक की तरह ही और बहुत सारे पत्रकारों को और ऐसे मीडिया हाउसेस को आगे आने की जरूरत है जो किसी एक पक्ष का नहीं बल्कि जनता की बात करें, जनता के मुद्दे उठाए ताकि हम राजनीतिक पक्ष के जो लोग होते हैं ये सही सही जनता के काम कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।